कौन कहता है महंगाई है? 320 रुपए किलो जैसे डालडा घ्यो हो गया, 1220 रुपए का आटा तोड़ा है। कितों? बस स्टोर तो, किसी भी दुकान तो। हाँ जी, परसों मेरा मुंडा ले आ गया 1220 रुपए का। नहीं चाचा एडा महंगा कितों हो गया होना है? कमाल की गल है। की वो फिर दुकान वाले ने तुहाडा वादा घाटा कर लिया होना, एडा महंगा कितों आटा हो गया? हाँ जी, दुकान वाले ने वादा घाटा कर लिया, ज्यादा ला लिया। नहीं वादा घाटा जी, तो लिया गया ना तरबर है ना चौकी सामने पिछले दुकान पर जून दुकान है गली में जाके 1220 देने, 1220 रुपए दे देने 20 किलो का। हाँ भाई 320 रुपए का किलो घ्यो दे रहे हैं। 320 रुपये किलो? हाँ जी। पहले कितने रुपये किलो? पहले है जी 300 का देते हैं, 290 का, 280 का, 270 का, हूँ 320 का हो गया। तो दाला दूला किसी का कोई दे रहे, किसी का कोई दे रहे, कोई दे रहा 60 रुपये पा, कोई दे रहा 75 रुपये पा, कोई 70 रुपये पा। रोजगार है? हाँ देखो कुछ है कोई भी नहीं। मतलब जे कमाई होवे ते फिर महंगाई दा पता नहीं। मंडी जो उसे लुट मारेगी, मंडी जे लुट मारे। मैं पिछे अंगूर लाए, एक टोकरी ही लाई अंगूर दी। हां ओ ले आ मैं घर से 2 गुच्छे निकले विचो। 2 गुच्छे 1200 रुपए दा ले आ गया टोकरी। वेली सारी ओ सारी खराब हो गए भाने। वो 2 गुच्छे मैं ही वो चुकणना सी, ओ आपे ही खा जाना, बच्चे ही खा के होना। बच्चे ने खवाने दा की करना दा, हाल कोई नहीं है। किना खा रहे अकी खाली पट्ठे ले ले, पट्ठे पट्ठे 250 रुपए दे ने पालक। हां जी एक मकान का आया 250 खर्चा कितना आना है? गैस बनना वे, मिर्चा पैनिया, कि मेहनत करनी पेगी। ये पैन है जाग बन 400 रुपये 450 पका के घर कले कमा लियो। नहीं बच्चे भी नाल कमा दे। पहले वक्त होते 30 साल पहले एक प्यो कमा सारा टब्बर खाता सी, तो सारा टब्बर कमाओ फिर पूरी नहीं होती। नहीं पूरी होती बिल खिल दे के आखिर जी है कि जो पट्टो दौर सी ना, अभी एक गल कहोगे पट्टो दौर सी ना सोना सी वो हम गरीबां दा हक सही। उस तो बाद कोई बंदा गरीबां दे हक नहीं, उस तो बाद कोई नहीं आया। लोगों ने जुत्तियां भाईयां पट्टो वो जुत्ती लैण गड़ी शो मेन बाजार जा गया झगड़ा, पट्टो दा बात बदल के। अच्छा जी। हां जी अल्लाह हू अकबर। चलो दुआ ही कर सकने सारे रल के बस। देख गल करा जो मीडिया उपर होई ना, मीडिया करदी कख नहीं सिर्फ साडे लोगों पुछ के ना वो देने जो आई गया कि घबराना मीडिया ही कहती है वो लोगों पुछ के ना लोगों तसली दे जाती है बस। उस तो अलावा कुछ नहीं। चाचा जी मेरी अर्ज सुनो, मैं तुहाडा ये रौला रप्पा जिहड़ा ना महंगाई वाला मैं चला के इमरान खान तक पहुंचा सकना। मैं मेरे को ताकत तो क्यों नहीं कि मैं इहनूं कहां कि ऐ करके वहा है, ताकत नहीं ना। मैं सिर्फ तुहाडी आवाज़ बन सकना, जे तुहाडी आवाज़ इमरान खान तक नहीं पढ़ सकती तो उत्थे तक आवाज़ पढ़ा सकने। तो असं अपनी अल्लाह की कसम मजदूरी नेक निश्ती नाल लगे तो बाकी फिर दुआ ही कर सकने। गरीबां दे कोई हाल ही नहीं। 18 लाख रुपया दी मामिया कानूनी वो फ्रॉड हो गया, वो इमरान खान दा ही बंदा है, वो इमरान खान दा बंदा मरा पल्ले दे वोटां दा खलोता लग कौन लिया ना दा वावा करके अशरफ एंड करके राणा तो 18 लाख आया कित्थों? ਕਮਾਏ ਭਾਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 18 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਆਲੀ ਤੇ ਵੀ ਗੁਆਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਭੀ ਆਣਾ ਵੇਚੀ ਵਿਚਾਰਾ ਯਾਰ ਲੋਟ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਟ ਟਿਕਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਲੈ ਲਈ ਕੱਲ ਲੈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਔਰ ਨਿਆ ਪਾਕਿस्तान ਕੁਝ ਐਸੀ ਡਰਾਸਟਿਕ सी पिक्चर। चाचा पीछे पता ही कहता जी अजे तक बेहतरीन दौर है चाचा जी, सिर्फ पट्टो दा आया। सही गल वाकई उदों महंगाई को नहीं सी है, कोई महंगाई नहीं सी। बहुत अच्छा टाइम, अच्छा वक्त गुजर रहा, बेहतरीन। नवाज शरीफ आया उस तो बाद थोड़ी जी हुई बारे हूँ जरा हाल देख लो तो की होया पे। मैं तो निकलिया तो रेहड़ियाँ भरिया पे ने फलां दियां लोग लै रहे ने, कोई नहीं लै रहे। कल का सौदा पिया जी, कल का पिया। हाँ जी हालात कारोबार है कोई बिल्कुल ठप्प है नहीं तो बाबा जी शाम में जिन्ना भी सौदा लिया वेले उवें ले घट रहो हूँ तो बाबा जी काम ही नहीं है, कारोबार ही कोई नहीं, टेंशन नहीं। तो जी कल कितना लेके आए सौदा? कल 3 तोड़े लिया जी। 3 तोड़े? हाँ जी। नहीं बिके जी। और जो बड़ा मसा महल 1000 रुपया कमाई हो जी सारा दिन की। 1000 रुपया मुनाफा के मुनाफा कोई नहीं, सिर्फ सेल हो 1000 रुपया मुनाफा 200 कर लो बिचो 100 150 रुपया मुनाफा होया। और चक्की करने बच्चों 150 बच्चों का मामला चल जाता है कितने नहीं चलता क्योंकि मैं देखिए 450 की पालक आई है। हाँ जी को पालक 450 पाके किन्नी को रह जानी है, थोड़ी को पालक रह जानी है। हाँ जी सारा दिन बैठे रहने करते पे गुजारा बस अल्लाह के आसरे। मैं 3 दिन होए बाजू टुटा पे आज अल्लाह ते बड़ी मुश्किल गुजारा करते पे। मकान किराए दे परसों मैं किराया दिता जे बड़े किसी को फल तट के असा रेहड़ियाँ भरावां को फट के मैं घर का किराया दिता। भट्टो के दरम्यान यह है चुआनी का नाम से 20 रुपए का घ्यो सी 360 रुपए का घ्यो हूँ 360 रुपए का। जे नवाज शरीफ किस तरह का भी सी वो अपने मसले चो अलहदा सी गरीबों के हक से वो सही सी। 55 रुपए 50 रुपए तो उतने ज़्यादा चीनी नहीं सी गई ऐसा नहीं सी नहीं गई। तो इमरान आज 120 रुपए किलो चीनी हूँ मिलती पी। लेकिन वो कहता है कि मेरे दौरे हुकूमत लोगों कमाई भी बहुत ज्यादा है तद महंगाई है कि लोग कमाते भी बहुत ज्यादा कमाते किस तरह ने वे लो ते सामने 3 तोड़े सुबह लिया 8000 का तोड़े लिया तो कल 1000 रुपया कमाई हुई जे बस सारे उस ही पिया जे कल का माल पिया जे गरीब आदमी परचून वाले कमा रहे हैं। हाँ जी रेहड़ियां वाले ने की करना कमाई बेबा। चलो कोई ना कोई सामान उन्होंने खरीदा सी पहले भी यानी कि 10 रुपए की चीज इस टाइम पे 5 रुपए की बेच रहे वो भी नजायज फायदा उठा रहे हैं। महंगाई की एक वजह भी है कि उन्होंने रेट आपे चुक दिते हैं। हाँ बताए ने देखो कि 10 की चीज 10 का दूध बिकता है उस टाइम से 5 का फिर महंगाई की एक वजह भी है ना चाचा जी। वो स्टार बोरियां उन्होंने इकट्ठा किया सी भाजी ने 40 रुपए किलो खरीदी सी इस टाइम तो 100 रुपए किलो कोई 110 दे रहे कोई 100 दे रहे नोट है कमा रहे ऐसे नहीं कमा रहे। नादरीन ये अक्सर ये ना इशू नजर आता है। मैं अक्सर विटनेस भी किया है कि महंगाई 10% है तो कुछ लोगों ने डायरेक्टली खुद भी बहुत सारी इसमें कर ली है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्लाह का करम। आपकी देख के दाढ़ी मुझे सिर्फ एक ही ज़वाइद सवाल मेरे जहन में आ गया। हां बोले क्या आप और मैं रियासत मदीना में रह रहे हैं? ये अल्लाह सुब्हान व तआला की शुक्र है अल्लाह ने कि हमें ये पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया। ये दुनिया का बेहतरीन मुल्क है जहाँ हर चीज़ पैदा होती है 4 मौसम होते हैं अल्लाह की नेमतें। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा आफत पाकिस्तान में आलम पाकिस्तान में नमाजी पाकिस्तान में अल्लाह ने इतना गल्ला दिया खाने के लिए वहाँ बाफर मकदार में पैदा होता है अल्लाह की हर चीज़ है। अगर ये महंगाई जो कुछ है हमारे अपने माल है अगर हम सारे अल्लाह की मान के नबी के तरीके पर चल पड़ें और इंशाल्लाह ये महंगाई नज़र नहीं आएगा। एक 10 लाख लेता है पहला जुर्म तो ये हो रहा है ना एक बंदे को 10 लाख तनख्वाह मिलती है मजदूर को 30,000 मिलती है नहीं 30,000 भी नहीं ना मिलती है तो फिर भी ठीक है ये तो चलो ये हमारे मालों का है। असल चीज़ ये है कि अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क में महंगाई देखो एक 10 लाख लेने वाला परेशान है एक मस्जिद में 10,000 15,000 तनख्वाह लेता है वो भी बाल बच्चा पार रहा है वो खुश है। क्यों खुश है? इंसान की फितरत दीन है जिस तरह मछली की फितरत समुंदर है ना वो समुंदर में रहती है। सुनो समुद्र में रहती है तो पानी में खुश रहती है उस अगर खुशकी लेंगे तो तड़पेगी अगर उसको खुशकी में रख दें उसको गोश्त भी दें सारा कुछ दें वो क्या करेगी उसने मर जाना है। क्यों? वो फितरत से हट गई। इसी तरह इंसान का फितरत दीन है अगर हम सब दीन पे आ जाएं अल्लाह की मान के नबी के तरीके पे आ जाएं इंशाल्लाह ज़रा भी गुर्बत नहीं है। इस मुल्क में दुनिया ने हर नेमत दी है हम चाल तो रहे नहीं हम मान गैरों की रहे तो काम कर रहे हैं। हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं लेकिन हमने अपना पूरा औलिया यहूदियों वाला अंसार जैसा बनाया हुआ है और हम कहते हैं जी देखो जी हम नबी के उम्मती हैं और नबी के उम्मती तो तब में जब हमारा होलिया नबी वाला हो। यहां पे जरा रुके मेरी मदद करें भाई करें। अफगानिस्तान जी हां तालिबान की हुकूमत पहले भी रही हाँ रही हालात के बहुत बेहतर हो गए थे बहुत बेहतर थे अल्लाह का शुक्र था वो फितरत में आ गए थे ना दीन हमारी फितरत है अभी अब दोबारा हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह से भी बेहतर होंगे। अच्छा 70 साल से हम कश्मीर के लिए जुलूस निकाल रहे हैं हड़तालें कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहे हैं हम नाकाम जा रहे हैं। में 70 साल से कर रहे हैं नाकाम जा रहे हैं ना वो हड़ताल करते थी ना उन्होंने हड़ताल की ना उन्होंने अक़वाम से बदला मांगी ना रुक तो जाए ना। मैं जनाब को कहता हूँ कि ये मेरा गली में मकान है मेरी दुकान है ये टूट गई है मुझे बना दें ये इमदाद नहीं है तो और क्या है मैं इस तरह मदद मांगूंगा। नहीं देखो अल्लाह ने के सबाब अल्लाह ने कहा सबाब को मानो सबाब को ना मानना चाहिए।